मैं हूं डॉक्टर श्वेता। आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपके सीएसआईआर एग्जाम में ईयर 2011 में रियल आंसर से पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, आपके स्क्रीन पे भी आ गया होगा कि एक्स एक सेट दिया गया है जो कि कनेक्टेड सबसेट है रियल नंबर का, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दी गई। कंडीशन क्या लगा दी गई है कि एक्स के जो एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल है। अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि आप बताइए कार्डिनलिटी ऑफ एक्स क्या होगी, 1 है, 2 है, काउंटेबली इनफाइनाइट है या इनफाइनाइट, ये पूछा गया है। तो अब इस क्वेश्चन बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, बट मेन इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। बोला क्या गया है कि कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर, पहले तो आप ये सोचिए व्हाट आर द कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर। तो कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर क्या होते हैं, वो होते हैं इंटरवल्स। तो सबसे पहला हेड पॉइंट क्या है कि कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर, कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर आर इंटरवल्स। लीजिए जैसे मान लीजिए आपने इंटरवल ए भी लिख दिया, ओके, कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर। अब आपको ये पता है इंटरवल में कि भाई कोई भी दो पॉइंट यहां लीजिए आप, उसके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल्स हैं, इरेशनल्स हैं। और क्वेश्चन वाले बोलेंगे आपसे भाई आप कनेक्टेड सब्जेक्ट लीजिए आपका, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ इरेशनल हो। और आप कहते हैं, और थ्योरी क्या कहती है कि भाई कनेक्टेड सब्जेक्ट ऑफ आर जो है वो इंटरवल है, उसमें रेशनल को भी होना है इरेशनल को भी होना है। तो कौन सी पॉसिबिलिटी बचती है, इंटरवल की पॉसिबिलिटी तो नहीं बचती, x इंटरवल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर x इंटरवल होगा तो उसमें रेशनल्स भी आएंगे और इरेशनल्स भी आ जाएंगे। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि x को क्या होना पड़ेगा, अगर कनेक्टेड सबसेट ऑफ r आप बोल रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ इरेशनल हो, तो भाई आप कहिए क्या कि कनेक्टेड सबसेट ऑफ r इन सच केस विल बी ओनली सिंगलटन। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि x इज सिंगलटन, ठीक है, ओके। तो कार्डिनलिटी ऑफ x क्या होगी, 1, करेक्ट। तो ये था एक क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान था, ऐसा नहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बट सोचने वाली बात थी यहाँ पे कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर होते क्या है। अगर ये पता है कि इंटरवल है, फिर दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इंटरवल है तो भाई ऐसा हो सकता है क्या कि इंटरवल यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे सिर्फ रेशनल है या सिर्फ इरेशनल है, नो, ये हमारी थ्योरी क्या कहती है भाई कोई भी यहाँ पे पॉइंट लीजिए इनफाइनाइटली नंबर ऑफ रेशनल इरेशनल दोनों है, करेक्ट। अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में कि आप चाहते हो कि x जो है r का कनेक्टेड सबसेट भी हो और उसमें सिर्फ इरेशनल हो, तो इंटरवल तो नहीं हो सकता x, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है x सिंगलटन है, और अगर x सिंगलटन है तो कार्डिनलिटी ऑफ x क्या होगी, वो होगी 1, ओके। तो आपका ऑप्शन जो बना है वो ऑप्शन डी है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इस लेक्चर सीरीज में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे रियल आंसर्स से रिलेटेड, जितने भी सीएसआर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वन बाय वन करके हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो इस लेक्चर सीरीज में आप कंप्लीटली बहुत सारे इंटरेस्टिंग रियल आंसर्स क्वेश्चन पाएंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।